ओके पीपल आर वी वर डिस्कसिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो हमने कल देखा एटॉमिक नंबर के बारे में. अभी वी विल ट्राई एंड सॉर्ट आउट व्हाट इज एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के अंदर एक न्यूक्लियस का पोर्शन होता है जो बहुत ही छोटा पोर्शन होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं भाई साहब? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स टोटल होगा वही हो जाएगा आपका एटॉमिक मास. ठीक है. द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन एटॉमिक मॉडल थ्योरी प्रपोज वॉज दैट ऑफ एटॉमिक मास. तो ये भाई साहब सबसे बड़ा रिमार्केबल प्रोसेस था, ठीक है, एटॉमिक मास का. अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास. हर एक एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है. लेकिन क्या सारे एलिमेंट्स में ऐसे होते हैं? नहीं, कुछ एक्सेप्शन हैं. सिंस एटम्स, तो कहां पे एक्सेप्शन होंगे? क्या सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होंगे? नहीं, देर आर सर्टेन एक्सेप्शन, राइट. आपने पढ़ा है क्या आइसोबार्स? आइसोबार्स पढ़ा हुआ है भाई साहब? आइसोबार्स में क्या है? व्हाट आर आइसोबार्स पीपल? व्हाट आर आइसोबार्स? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर. ठीक है, बट सेम एटॉमिक मास नंबर, हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर. ठीक है. सिंस एटम्स आर एक्सट्रीमली लाइट एंड स्मॉल, साइंटिस्ट फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेजर देयर इंडिविजुअल मासेस. तो साइंटिस्ट के लिए भाई साहब इनके इंडिविजुअल मासेस को डिटरमिन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है. बहुत ही छोटे हैं ये, और ऐसा कोई हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया नहीं है कि इनके न्यूक्लियस के मास को हम मेजर कर पाएं. वी हैव नॉट येट मेड सच एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी कैन मेजर इट. ठीक है. हेंस द मास ऑफ द एटम इज कंपेयर्ड विद अ स्टैंडर्ड एटॉमिक मास ऑफ सम अदर एलिमेंट. तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि एक तराजू है, तराजू में आपने एक साइड में एक प्लास्टिक में या एक एक कागज की पन्नी में आप भाई साहब चीनी भर रहे हैं, शक्कर, और दूसरे साइड में आपने क्या रखा? एक किलो का भट्टा. तो अभी आप जैसे ये लेवल हो जाएगा तो आप बोलोगे ये एक किलो शक्कर है. ये एक किलो शक्कर बेसिकली है क्या? अगर इसको हम तोड़ मरोड़ के इसका डेफिनेशन करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका जो वेट है वो एक किलो आयरन के बराबर के वेट है ना. 1 kg ऑफ शुगर, विच मीन्स दैट द वेट ऑफ दिस अमाउंट ऑफ शुगर इन दैट यू नो प्लास्टिक और वट एवर इन दैट झोला जूस में भी, दिस इज इक्वल टू 1 kg ऑफ आयरन कैप्ट एट द अदर एंड. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. तो इसी तरह से एटॉमिक मास में भी हम कंपेरिजन करते हैं. ठीक है. जस्ट वन मिनट पीपल. तो वॉट एग्जैक्टली आर वी डूइंग पीपल? जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जैसे लोहे का भट्टा जो एक किलो का भट्टा है वो हमारे लिए कंपेरिजन हो गया है ना. हमने अगर एक किलो शुगर लिया है तो तराजू में दूसरी तरफ में हमने क्या रखा है? एक लोहे का भट्टा रखा है एक किलो का. इसी तरह से जब हम एटॉमिक मास निकालते हैं किसी एलिमेंट का, उसका हम कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? कार्बन के साथ. ठीक है. सो इन 1961 इट वाज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट द मास ऑफ कार्बन एटम, दैट द मास ऑफ कार्बन 12 एटम वुड बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड डिफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स. तो हमने कौन सा एटम ले लिया भाई साहब? मास C12 एटम ले लिया. ठीक है. ये आपका हो गया भाई साहब कार्बन एटम. दिस इज बेसिकली कार्बन एटम. So the mass of this carbon atom was taken as standard. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी हम इसको कैसे लेंगे? देखो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. इसको अगर मैं 1/12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है. क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी समझते हैं इसको. ठीक है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है. देखो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास है कितना? 12 एटॉमिक मास यूनिट. भाई साहब कार्बन को हम कैसे लिखते हैं? 6, 12 है ना. तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 12 एटॉमिक मास यूनिट. तो देयरफॉर 1/12 अगर मैं इस 12 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना आ जाएगा? 1 μ आ जाएगा. ठीक है. अगर मैं बोल रहा हूं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास, समझ लो भाई साहब हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब? 4 μ है. ठीक है. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? This will be 1 μ into 4 है कि नहीं? मतलब ये हो जाएगा 1/12 into 12 into, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है. तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? Therefore, atomic mass of an element, atomic mass
ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स बाई विच द एलिमेंट बाई विच द एलिमेंट इज हैवियर दैन इज हैवियर दैन वन बाई ट्वेल्थ ऑफ मास ऑफ अ कार्बन एटम. क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो 1/12 से करेंगे तो 1 म्यू आएगा, 1 म्यू को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 म्यू आएगा, विच इज बेसिकली व्हाट द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो जैसे देखो, अगर मैंने बोला कि एटॉमिक मास हीलियम का कितना है, 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 1/12 इंटू 12 म्यू. ठीक है, 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, 4 म्यू. मतलब देखो, नाक को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ना है इसमें. ठीक है, आप बोल सकते थे भाई साहब 1 म्यू ले लो और उसका जितना भी होगा, लेकिन हमको कोई ना कोई स्टैंडर्ड तो रखना पड़ेगा ना. आप 1 किलो शक्कर को 1 किलो लोहे के भट्टे से कंपेयर करें ना, क्या 1 किलो का शक्कर भी रख सकते हैं वहां पे? रख सकते हैं, लेकिन क्या हर चीज को आप शक्कर से माप सकते हैं? नहीं माप सकते. ठीक है, तो आपको एक स्टैंडर्ड वेट लेना पड़ेगा, इसीलिए आपने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट ले लिया यहाँ पे, विच इज वॉट, कार्बन. क्लियर है? अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी एलिमेंट का, लेट्स से यू नो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23 है, तो इट मींस व्हाट, सोडियम इज 23 टाइम्स 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. ये इसका मतलब ये होगा. ठीक है, दैट इज 23 म्यू. आर वी गेटिंग दिस पीपल? 23 टाइम्स द मास ऑफ अ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम. घुमा के बोलना है इसको. ठीक है, तो दिस इज वॉट इट मीन्स. तो कार्बन एटम को चुना गया भाई साहब, पहले हाइड्रोजन को चुना गया था, लेकिन हाइड्रोजन में काफी सारे कंफ्यूजन हुए जिसके वजह से हाइड्रोजन को कैंसिल करके नाउ कार्बन हैज बीन सिलेक्टेड. ठीक है, अर्लियर साइंटिस्ट यूज हाइड्रोजन एज अ रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड सिंस हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स. प्रॉब्लम यह है कि हम एक ऐसी चीज के साथ कंपेरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका भाई साहब खुद का ही न्यूट्रॉन्स नहीं है. न्यूट्रॉन्स नहीं है तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. जिसके पास खुद ही न्यूट्रॉन्स नहीं है तो उसको हम कैसे कंपेरिजन में ला सकते हैं? क्या ही समझ में आ रहा है? ठीक है, इसीलिए हाइड्रोजन को रिजेक्ट कर दिया गया. नाउ इट इज कार्बन 12 एलिमेंट. तो एटॉमिक मास इज व्हाट, हाइड्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट एटम इज टेकन एज द स्टैंडर्ड पार्टिकल फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ अदर एटम्स. हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन. वन एटम ऑफ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे भाई साहब? देखो, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, इसका मतलब समझो भाई साहब, नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं कि नहीं? तो एटॉमिक मास क्या हो गया नाइट्रोजन का? 14 म्यू. ठीक है, एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा भाई साहब? 14 म्यू. हाइड्रोजन का भाई साहब क्या होगा? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें भाई साहब, तो उसका एटॉमिक मास कितना है? 1 म्यू. तो मतलब एक नाइट्रोजन एटम 14 हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा. सिंपल भाई साहब, हाइड्रोजन एटम का मास कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट, और एक नाइट्रोजन एटम का मास कितना है? 14. ठीक है, सो 1 नाइट्रोजन एटम विल बी इक्वल टू 14 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आता है? ठीक है, देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14. तो आपका रिलेटिव मास कितना हो जाएगा? 14. रिलेटिव मास मतलब कंपैरिजन में. ठीक है, कितना टाइम्स वो हाइड्रोजन के बराबर होगा? सो इट विल बी 14 टाइम्स द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, एंड दैट इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. ठीक है, दिस इज नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास. डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम. आइसोटोप्स हर एलिमेंट के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स के ही एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका क्लोरीन का देखो, आइसोटोप एग्जिस्ट करता है 35. ठीक है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास हमने क्या लिया हुआ है? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज टेकन टू बी कितना? 35.5. तो हम यहां पे क्या बोल सकते हैं? एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 टाइम्स द मास ऑफ वन एटम ऑफ द 35.5 इंटू 12 इंटू 12 म्यू. समझ में आ रहा है ये? 35 इंटू 12 इंटू 1/12 म्यू. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझम. सो द एटॉमिक मास, कहो ठाकुर, अरे बंद करेंगे जरा,
कहां पत्ते खेल रहा था भाई? हाँ, कितना जीता कि हार के आया? ओके, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास एक एलिमेंट का भाई साहब क्या होता है, इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द आइसोटोप ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब क्लोरीन का मास कितना है 35.5, इट विल मीन क्लोरीन इज 35.5 टाइम्स 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपलम? ओके, इमेजिन कार्बन एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, ठीक है? तो आपका भाई साहब वाटरमेलन के पीस विच इज कट इनटू 12 इक्वल पीसेस, एक वाटरमेलन को अगर हमने 12 इक्वल पीसेस में काट दिए, ठीक है? सो एक पीस मतलब वन पीस रिप्रेजेंट्स क्या 1/12 है ना, एक पीस का साइज क्या हो जाएगा 1/12, अगर एक मतलब 12 पीसेस में हमने इसको काटा है तो एक पीस का साइज क्या हो जाएगा 1/12, ठीक है? ओके, सो इसको हमने अगर इसमें रखा है और यहां पे दो है, नाउ यूज दिस पीस टू वे अदर एटम्स, इसको अगर हम अदर एटम्स को यूज कर रहे हैं वे करने के लिए, ठीक है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रेशियो एंड हैज नो यूनिट्स एंड इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, व्हिच इसको हम ऐसे भी लिखते हैं AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है? दिस इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशंस द AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू व्हिच इज नोन एज यूनिफाइड मास, ठीक है? अभी भाई साहब ये IUPAC किस चिड़िया का नाम है, ठीक है? तो IUPAC देखो, आप जब पैदा हुए थे भाई साहब पंडित उंडित बुलाए गए थे, मौलवी उलवी बुलाए गए थे, इनका नामकरण करो भाई साहब, तो पंडित ने निकाला वेदांत नाम बहुत अच्छा होगा, है ना? इन सारे नामों में ये वेदांत नाम इसको सूट करेगा, दिस विल बी द बेस्ट नेम सूटेड फॉर हिम। सो उनके अलग रीजंस होते हैं जो भी उनके रिलीजियस मान्यताएं हैं। तो मतलब किसी भी बच्चे का नामकरण का एक प्रोसेस होता है, मौलवियों में भी होता है भाई साहब, पंडितों में भी होगा। सो इसी तरह से अभी प्रॉब्लम ये है कि जैसे अगर हम इंडिया में किसी एलिमेंट को किसी नाम से जानते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रशिया में भी उसी नाम से जाना जाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे फॉर्मिक एसिड, ठीक है? फॉर्मिक एसिड भाई साहब एक एसिड होता है, जैसे जैसे अगर वो लाल कलर की चींटी होती है जब वो काटती है तो वो वहाँ पे फूल जाता है, थोड़ा सा जलन भी होता है आपको, खुजली भी होती है, ठीक है? पेन सा थोड़ा सा होता है ना, यू विल फील दैट पेन, क्यों? क्योंकि उनके डंक में होता है फॉर्मिक एसिड, तो वो जैसे ही आपके कॉन्टैक्ट में आते हैं या उनको आपसे कुछ खतरा महसूस होता है तो सेल्फ डिफेंस में ये आपके बॉडी में रिलीज होती है। यही चीज़ वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी रिलीज करते हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमंस पे रिलीज करते हैं। सो दिस इज नोन एज फॉर्मिक एसिड, ठीक है? ये फॉर्मिक एसिड बेसिकली क्या होता है, HCOOH। अभी इंडिया में बैठा कोई इंसान या UK में बैठा कोई इंसान इस फॉर्मिक एसिड को समझ सकता है, दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मिक एसिड, ठीक है? बट अ पर्सन स्टेइंग इन रशिया और अ पर्सन स्टेइंग इन मे बी जर्मनी वुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज फॉर्मिक एसिड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, तो ये क्यों होगा? देखो, कुत्ते को हिंदी में कुत्ता बोलते हैं, है ना, इंग्लिश में डॉग बोलते हैं। तो किसी इंग्लैंड में रहते हुए इंसान को अगर कुत्ता बोलोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा ना, तुमने गाली भी दे दी उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो तुमने कुत्ता बोल दिया उसको, यू नॉट अंडरस्टैंड, राइट? तो इसी तरह से ये फॉर्मिक एसिड का जो चक्कर है, या कोई भी एलिमेंट, इसका एक हमारा देश में नाम है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो रशिया में रहता है वो उसको समझ पाए या जो जर्मनी में रहता है वो समझ पाए। तो यहाँ पे भाषा का एक अंतर हो जाएगा, ठीक है? सो इसीलिए IUPAC की मतलब देखो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी हम कोई नया दवाई निकालेंगे, व्हेनेवर वी विल कम अप विद अ न्यू मेडिसिन, इट विल हैव इट्स ओन इंग्रेडिएंट्स। कोई भी मेडिसिन अगर हम निकालेंगे तो इट विल हैव इट्स ओन इंग्रेडिएंट्स, है ना भाई साहब? इनके भी भाई साहब खुद के इंग्रेडिएंट्स होंगे। अभी इन इंग्रेडिएंट्स से जो दवाई बनती है, अगर समझ लो इंडिया ने कोई दवाई निकाली और वो सबके लिए बेनिफिशियल है तो ऑब्वियसली US में भी वो दवाई बननी चाहिए, उनके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? लेकिन अगर उनको समझ में ही नहीं आए इंग्रेडिएंट्स क्या हैं तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है? कोई भी डिस्कवरी जिसमें भाई साहब एसिड्स हैं, जिसमें एलिमेंट्स हैं, वो उनको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये क्या क्रिएट करेगा, हम साइंटिफिक डिस्कवरी का होने के बावजूद भी हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे। सो इन स्पाइट ऑफ मेनी मेडिसिन्स बीइंग डिस्कवर्ड अगेंस्ट मेनी डिजीजेस, वी विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ इट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो इसी डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ और उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत
एक बॉडी की संगठना हुई जिसको हम बोलते हैं IUPAC. IUPAC इज व्हाट? इंटरनेशनल, इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. ठीक है, ये IUPAC ने भाई साहब अभी डिसाइड किया कि किस तरह से हम स्टैंडर्ड नाम देंगे. आप अपने देश में फॉर्मिक एसिड बुलाना चाहते हैं, आपकी मर्जी. ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड नाम जो होंगे वो सारे पूरे मतलब विश्व में उन नामों से जाना जाएगा. तो फॉर्मिक एसिड का जो स्टैंडर्ड नेम है वो है आपका मीथेनोविक एसिड. मीथेनोविक एसिड ये स्टैंडर्ड नाम है, और इस स्टैंडर्ड नाम से भाई साहब ये एसिड आपके अमेरिका में भी जाना जाएगा, रशिया में भी जाना जाएगा, जर्मनी में भी जाएगा, पूरे विश्व भर में इस नाम से वो जाना जाएगा. अगर आप किसी को भी मीथेनोइक एसिड बोलेंगे, पढ़े लिखे इंसान को, दैट पर्सन विल बी एबल टू कॉरेस्पॉन्ड टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, फॉर्मिक एसिड की जो भाषा है वो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो, लेकिन मीथेनोइक एसिड इज द प्रॉपर साइंटिफिक नेम. ठीक है, प्रॉपर आपका. तो इसके लिए कुछ रूल्स बने. ठीक है, ये रूल्स आप आगे चल के पढ़ेंगे. ठीक है, आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में आप थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये रूल्स क्या क्या हैं. ठीक है, जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे आप 10th में, देन यू विल अंडरस्टैंड हाउ दीज रूल्स आर अप्लाइड. तो ऐसा ही नहीं कि ताबड़तोड़ जो भी आपको नाम मिले वो आप जोड़ दें. ठीक है, सो सारे एलिमेंट्स के, सारे एसिड्स के, सारे जितने भी कंपाउंड आज तक डिस्कवर हुए हैं या बनाए गए हैं उनके नामकरण किए गए हैं, और इन नामकरण करने का एक भाई साहब तरीका है. उस तरीके को फॉलो करते हुए एज पर IUPAC स्टैंडर्ड्स वी बेसिकली नेम द कंपाउंड्स. क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो दैट इज व्हाट इज IUPAC इज. आप बार बार केमिस्ट्री में देखेंगे एज पर IUPAC ये है, एज पर IUPAC ये है. ये IUPAC है क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इस संगठन ने ये वर्ल्ड वाइड मीटिंग हुई है, और उस वर्ल्ड वाइड मीटिंग के तहत कुछ रूल्स डिसाइड हुए हैं. उन्हीं रूल्स के हिसाब से सारे जितने भी केमिकल्स हैं उनके नामकरण होंगे. इसीलिए अगर आप किसी भी दवाई को उठाएंगे उस दवाई में जो कॉम्पोजिशन लिखा रहेगा वो एज पर IUPAC स्टैंडर्ड्स लिखा रहेगा. ठीक है, इट विल बी एज पर IUPAC स्टैंडर्ड्स. IUPAC में जो नाम बनता है इंटरनेशनली वही दवाई में उस दवाई का नाम लिखा रहेगा, केमिकल का नाम लिखा रहेगा. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन, IUPAC बहुत सारी चीज़ों पे रिकमेंडेशन देता है, बहुत सारी चीज़ों पे सजेशन देता है, और बहुत सारी चीज़ों पे रूल्स बनाता है. तो आज की तारीख में हम इसको भाई साहब जैसे हम पहले कैसे लिखते थे एटॉमिक मास को, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास अगर लिखेंगे तो 12, तो अभी हम कैसे शॉर्ट फॉर्म में ये लिखते हैं 12 μ. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, 12 μ लिख देंगे हम. क्लियर हम पीपल? हम क्लियर, हम क्लियर, हम क्लियर, हम क्लियर. ठीक है, तो एटॉमिक मास को हम किस में लिखते हैं भाई साहब? 12 μ. ओके, हाउ टू वे हीलियम एटम. तो हीलियम एटम भाई साहब क्या हो जाएगा? तो देखो ये कार्बन है, इस चीज को समझो थोड़ा सा. कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12. तो कार्बन का हमने क्या कर दिया? 12 हिस्से कर दिए. तो हर एक हिस्से का वेट क्या हो जाएगा? 1. समझ में आ रहा है? कार्बन का खुद का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब? 12 μ. हमने इसके 12 हिस्से कर दिए, तो हर एक का हिस्से का क्या हो जाएगा? 1 μ हो जाएगा. अगर मैं बोल रहा हूं कि हीलियम का एटॉमिक मास है 4 μ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट विल बी 4 × 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम. है कि नहीं? 4/12. ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, ऐसे क्यों हम कर रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन में एक तकलीफ है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं है, और आप अगर एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तो यू विल हैव टू कंसिडर न्यूट्रॉन्स, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 times द मास ऑफ 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, इसीलिए हम इससे जाते हैं. ठीक है, तो देखो ये कार्बन एटम है, इसके 12 टुकड़े कर दिए. ठीक है, इसका पिज्जा बना ला, एक कोन हमने निकाल दिया भाई साहब, तो उसका मास कितना होगा? 1 μ. इस 1 μ का 4 गुना क्या हो जाएगा? हीलियम एटम का मास होगा. आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, द रीजन वाई हाइड्रोजन वॉज डिसक्वालिफाइड इज बिकॉज इट डजेंट कंटेन न्यूट्रॉन्स. और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एटॉमिक मास की जिसमें न्यूट्रॉन्स का होना अति आवश्यक है, क्योंकि भाई साहब एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस. तो जिस बंदे के पास खुद ही न्यूट्रॉन्स नहीं है उसके साथ हम कैसे कंपेयर करें? ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, तो हाइड्रोजन हो गया भाई साहब, तो ये हीलियम क्या हो गया? हीलियम इज 4 times. ये वाला जो पीस आपने निकाला विच इज 1/12, इसके 4 गुना के बराबर है. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये हीलियम
के चार मतलब हीलियम इज 4 times 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम. वन कार्बन एटम 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना हो गया 1 μ. इस 1 μ को हम 4 times मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 μ. दैट विल बी द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम. क्या ये चक्कर समझ में आ रहा है? इज दिस अंडरस्टूड पीपल? नहीं. ओके ओके समझो समझो समझो. देखो ये भाई साहब क्या है, कार्बन है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है कार्बन. तो कार्बन हो गया भाई साहब, कार्बन का एटॉमिक मास, कार्बन का भाई साहब एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12 μ. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 μ. अभी भाई साहब हमने कार्बन को क्या कर दिया भाई साहब, 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये चार, ये बन गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, कितने बन गए भाई साहब, 12 हो रहे क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो ऐसे अगर हम 12 पार्ट कर देते हैं, इफ वी बेसिकली डू अ 12 पार्ट, तो यहाँ पे भाई साहब देखो कार्बन का एटम है, इसके 12 इक्वल पार्ट अगर हम कर दें तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब 12 μ. अगर हमने 12 इक्वल पार्ट किए तो उसका मतलब क्या है, 1/12 × 12 μ, है कि नहीं? 12 हिस्से कर दिए ना इसके, तो हर एक का मास कितना हो जाएगा 1 μ हो जाएगा. Each of them would have a mass of 1 μ. Helium का मास कितना है बोलो? Helium का ये atomic configuration है भाई साहब, ठीक है? ये आपका atomic configuration. Helium का atomic mass कितना हो गया? This is equal to 4 μ. अभी ये 4 μ कितना times ज़्यादा है इससे? 4 times गुना है, ठीक है? तो mass of helium, atomic mass of helium, ठीक है? Atomic mass of helium is equal to 4 times into 1 μ. ऐसा लिख सकते हैं बोलो? 4 times into 1 μ. ये 1 μ कहाँ से आ रहा है भाई साहब? 1/12 into 12 μ. तो इसको हम लिखेंगे और into 1/12 into 12 μ. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सो हीलियम इज 4 times द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम. ऐसे हम हर एक एटॉमिक मास को डिफाइन करेंगे. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो कार्बन को हमने चूज किया है और हमको बार बार यहाँ पे C12 कार्बन एटम बोलना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक C14 होता है और एक C12 होता है. ठीक है, तो मास ऑफ अ हीलियम एटम पीपल क्या हो जाएगा? इट इज 4 times द मास ऑफ अ 1/12 ऑफ अ कार्बन C12 एटम. मास ऑफ अ कार्बन C12 एटम. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन एटॉमिक मास. ठीक है, दिस इज हाउ वी विल डिफाइन मास ऑफ वन हीलियम एटम इज 4 times 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम. कार्बन यहाँ पे हम C12 एटम लिखते हैं जनरली, और थोड़ा सा इसको अगर प्रिसाइज लिखें तो ये C12 एटम होगा. ठीक है, क्योंकि C14 की भी पॉसिबिलिटी है. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 μ. क्लियर क्लियर क्लियर. सो एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर्स थोड़े से याद रखने हैं आपको. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स के हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब? 1, ये हम पढ़ चुके हैं. तो ये हो जाएगा कितना? 1 μ. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 μ, है ना? तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी 1 × 1/12 × 12 ऑफ कार्बन 12. तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? 1 μ, है ना? सो एटॉमिक मास हाइड्रोजन इज 1 times द 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. ठीक है, ओके. तो जैसे अगर आपका भाई साहब कार्बन का क्या हो जाएगा बोलो? 12 μ है. सो इट इज 12 times द, अब एक खुद का ही है ये तो. ठीक है, इसका तो खुद का ही है. नाइट्रोजन क्या बोलेंगे भाई साहब? नाइट्रोजन का हम बोलेंगे 14 × 1/12 × 12. तो 14 times 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. 14 times 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम. ओके, इसके बाद आता है भाई साहब ऑक्सीजन 16. तो हम क्या बोलेंगे? 16 times 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन एटम. सोडियम 23 times 1/12 ऑफ अ सोडियम एटम. मैग्नीशियम 24 times 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम. ठीक है, क्लियर है? अगर इसको लिखना हो मुझे तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे बोलो? 24 × 1/12 × 12 μ. इस तरह से आया भाई साहब 24 μ. ठीक है, सो मैग्नीशियम इज 24 times 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम. ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स. एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स द मास ऑफ 1/12. ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स द मास ऑफ 1/12
ऑफ अ कार्बन 12 एटम। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? देखो यही है, 24 टाइम्स द मास ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम कितना है? 12 एटॉमिक मास, और इसका 1/12, ठीक है। सो एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 टाइम्स द मास ऑफ 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है। अभी एलिमेंट है जैसे एल्यूमिनियम, दिस इज हाउ मच? 27। सो इट इज 27 टाइम्स 1/12 द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ठीक है। फॉस्फोरस 31 टाइम्स 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ठीक है। फिर आपका सल्फर 32 टाइम्स 1/12 ऑफ अ कार्बन एटम। क्लोरीन 35.5 टाइम्स 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन एटम। पोटेशियम 39 टाइम्स 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, ठीक है। कैल्शियम 40 टाइम्स 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कैल्शियम एटम, सॉरी कार्बन एटम, ठीक है। क्लियर है? अरे ये मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख सकते हैं, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल गेट जनरली, ठीक है। एटॉमिक मास आपको जनरली मिलता रहेगा। कुछ एलिमेंट्स के आपके जो मैंने कल को आपको बोला था वैलेंसी, किसी ने नोट डाउन किया है? नहीं। पूरे वीडियो में एक स्लाइड है जहां पे मैंने वैलेंसीज बताई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत कॉमन एलिमेंट्स के वैलेंसीज हैं, और वो कॉमन एलिमेंट्स के वैलेंसीज आप अगर जानते हैं तो आराम से किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल मैं चेक करूंगा, ठीक है। जस्ट वो वाला पोर्शन जहां पे मैंने आपको बताया कि कौन से आपके एलिमेंट्स हैं और या कंपाउंड्स हैं या आयंस हैं जिनकी वैलेंसीज हैं, वो वैलेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे मालूम चलेगा भाई साहब? CaCO3 का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होगा, क्योंकि भाई साहब कैल्शियम की वैलेंसी है 2 और कार्बोनेट आयन की वैलेंसी है 2, तो इन दोनों में भाई साहब अगर हम करेंगे ये 1:1 हो जाएगा, एंड हेंस इट विल गिव अस CaCO3। हम जनरली 1 और 1 नहीं लिखते हैं, वी डोंट राइट इट, तो CaCO3 होगा। सो हाउ वुड यू कम टू दिस फॉर्मूला? पहली बात तो इस फॉर्मूला को आप तभी ठीक से लिख सकते हैं जब आपको वैलेंसीज मालूम हो, कॉमन एलिमेंट्स एंड कॉमन आयंस के वैलेंसीज आपको मालूम होने ही चाहिए। Nobody is expecting you to know all the 118 elements ke valencies. Lekin these are common elements and you should be knowing them. ठीक है? तो please make a note. मैं कल वाकायदा चेक करूंगा आपका, ठीक है? Whatever the valencies we had discussed. आपको कल के वीडियो में मिल जाएगा. Chemical formula of compounds. ठीक है? Let's study. अभी देखो यहाँ पे फंसोगे तुम लोग अगर आपको वैलेंसी नहीं मालूम रहेगी तो, ठीक है? How to write down the molecular formula. The following steps should be taken while writing the chemical formula of magnesium chloride. ठीक है? अभी राइट द सिंबल। अभी देखो मैग्नीशियम का बेसिकली क्या होता है, देखो एकदम हम एकदम जड़ से जाएंगे तो मैग्नीशियम होता है भाई साहब 12 24, ठीक है। मुझे फटाफट बताओ नचिकेत एटॉमिक मास कितना, जल्दी से 24 एटॉमिक नंबर है। वेदांत एटॉमिक नंबर कितना कल बताएगा? तो 12, अरे बोलना 12, तो ये हो गया 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन गणपति बप्पा मोरिया पता 282, ठीक है 282 है ना भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये भाई साहब क्या करेगा, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी एलिमेंट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। सो इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब? जितना इलेक्ट्रॉन्स आप लूज करते हैं या गेन करते हैं वही आपकी वैलेंसी होती है। तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज करेगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई 2, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम क्या लिखेंगे यहां पे, मैग्नीशियम को लिखेंगे भाई साहब 2, ठीक है ओके। अभी आते हैं भाई साहब क्लोरीन में, क्लोरीन का होता है 17। जनरली देखो आप बोलेंगे 35.5 आपने कैलकुलेट किया था, नहीं, हम जनरली लिखने के टाइम पे 35-17 क्लोरीन लिखते हैं या 37-17 क्लोरीन भी लिख सकते हैं, जनरली 35-17 क्लोरीन लिखते हैं ओके। एटॉमिक मास भाई साहब यहां पे हो जाएगा 35.5 होता है, खैर एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए पांडे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन का क्या हो जाएगा 287। तो व्हाट विल क्लोरीन डू, 287 है तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिसका भी भाई साहब 5, 6 या 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। तो क्लोरीन विल डू व्हाट, क्लोरीन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी बोलो, है 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, दैट इज द वैलेंसी। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई भाई साहब 1। तो कायदे से आप अगर क्लोरीन लिख रहे हैं यहां पे तो ये हो जाएगा 1।
ठीक है, क्लियर है। चलिए अभी हम देखते हैं भाई साहब यहाँ पे Mg इससे मल्टीप्लाई हुआ Cl, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा MgCl2। ये तो हो गया फॉर्मूला वाइज आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन इसका सिद्धांत भी समझिए ये क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो अभी ये दो इलेक्ट्रॉन्स देगा राइट, मैग्नीशियम एक एटम से आपको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और क्लोरीन के एक एटम को कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम भाई साहब जो दो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है, ये एक क्लोरीन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे वाले क्लोरीन एटम के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसीलिए आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है MgCl2। क्या ये समझ में आ रहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स पार्ट पे मत जाइए, कॉन्सेप्ट को भी समझिए। मैथमेटिक्स में से तो आप निकाल सकते हैं ऐसे भाई साहब, इसकी वैलेंसी निकाली, इसकी वैलेंसी निकाली, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो MgCl2 बन गया, लेकिन ये MgCl2 का एक्चुअल अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस MgCl2। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम के पास देने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक क्लोरीन एटम के पास एक्सेप्ट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका मतलब दूसरा वाला क्लोरीन एटम दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन लेगा। तो हर एक मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन जो दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं वो दो क्लोरीन एटम के पास जा रहे हैं, और इसीलिए कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है MgCl2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। सो दिस इज द वे इन विच वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड MgCl2 या कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, ओके। सो राइट द सिंबल ऑफ ईच एटम साइड बाय साइड यूजिंग द कटायन फर्स्ट एंड द एनायन। तो यहां पे कटायन कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, ज्यादा करके जितने भी मेटल एटम्स होते हैं वो कटायंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनायंस। तो आपका भाई साहब MgCl, ठीक है, राइट द वैलेंसी, वैलेंसी आपने निकाली भाई साहब कितनी थी इसकी, 2, ठीक है, और इसकी कितनी है भाई साहब 1, ठीक है, इंटरचेंज द वैलेंसी, तो आपने भाई साहब इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Mg1Cl2, हम ये 1 नहीं लिखते, ठीक है, तो दिस 1 इज बेसिकली इग्नोर, तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे MgCl2, ठीक है, दिस विल बी द मॉलिक्यूलर। इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट हैज मोर देन वन एटम इनक्लोज इट विद ब्रैकेट्स, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फटाफट से देखते हैं भाई साहब, कैल्शियम का अरे बोले ना भाई साहब, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 20-40, एटॉमिक नंबर कितना, राइट, मारूंगा एक एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक नंबर 20 भाई साहब, एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोहम सुरवे हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2 8 2, गिन 2 और 8 10, 2 12, और 8 क्या हजम कर गया 2 2 8, तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं भाई साहब, तुम्हारे पास बचे कितने अभी 2 और 8 10 10 आ सकते हैं, क्या तीसरे वाले की हैसियत है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना भाई साहब, यहाँ पे हमारा किसी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, व्हाट इज द फॉर्मूला 2n का स्क्वायर, तो तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं 3 × 3 का, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई साहब 9 × 2 = 18, तो मतलब 10 तो आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, तो क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट है और आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन ही एडजस्ट कर सकते हैं। अगर 8 ही इलेक्ट्रॉन एडजस्ट कर रहे हैं तो आपके पास थे कितने भाई साहब, आपके पास थे कितने, यहाँ पे बचे कितने थे 2 और 8 10 10 बचे थे, तो 8 आपने यहाँ पे डाल दिए, कितने बचे आपके पास, तो एक और ऑर्बिट क्रिएट हो जाएगी जिसमें होंगे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एलिमेंट्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो कैल्शियम विल लूज दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर कैल्शियम इज लूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स तो व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई भाई साहब 2, क्लियर हम, ठीक है, तो CA में लिख दीजिए भाई साहब, इसका वैलेंसी कितना हो गया 2। ऑक्सीजन का भाई साहब फॉर्मूला बताइए 16 और ये हो गया 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ भाई साहब, भाई संकेत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आहा इरशाद, हाँ 2, आगे बता कितने इलेक्ट्रॉन से, पहले ये बता 6 इलेक्ट्रॉन से, एंड भाई पिंकी कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें पहले वो बता दो, सर दिख ही नहीं रहा है क्या करे, अरे ऋतु भाई साहब चैप्टर खत्म होने को आया, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8, चलिए भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स इज 8, अब बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
कोई शिकार तो मिलना चाहिए। आय हाय गणपति बप्पा मोरिया भाई साहब न्यूयॉर्क से आ रहे हैं, ये देखो भाई साहब टी शर्ट में न्यूयॉर्क लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो क्या कैलकुलेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। हाँ संकेत बैक टू यू टू, तो पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था भाई, टू और सिक्स हो गया भाई साहब। देखे तो अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2। ठीक है तो भाई साहब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी इसकी भी भाई साहब हो जाएगी 2। ठीक है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है कैल्शियम का भाई साहब कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का सिंबल लिखो O और यहाँ पे भाई साहब क्या लिखोगे 2, टुडुंग टुडुंग भाई साहब कैंसिल हम। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आता है। ओके सो भाई साहब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaO। आर वी गेटिंग दिस, ये तो हो गया मैथमेटिकल पार्ट, अभी आप मेरे को समझाइए इसका कॉन्सेप्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। तो देखो कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2। एक एटम का कैल्शियम से आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, 2। और एक एटम ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2। तो मतलब हर एक कैल्शियम एटम हर एक ऑक्सीजन एटम के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। पिछली बार क्या हुआ था, एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है जबकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दूसरा वाला क्लोरीन एटम इसीलिए फॉर्मूला क्या बन रहा था, MgCl2। यहाँ पे CaO मतलब एक कैल्शियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे, दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम से भाई साहब ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हर एक कैल्शियम एटम हर एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है। ठीक है वन कैल्शियम एटम इज बेसिकली फुलफिलिंग द नीड ऑफ वन ऑक्सीजन एटम। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ठीक है ओके। वैलेंसी हो गया भाई साहब 2-2, देयर द हियर द वैलेंसीज ऑफ द टू एलिमेंट्स आर द सेम, यू मे अराइव एट द फॉर्मूला Ca2O2, लेकिन Ca2O2 गलत होगा। ठीक है Ca2O2 गलत क्यों हो जाएगा भाई साहब, आप बोलोगे यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई साहब Ca2O2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 कैल्शियम एटम 2 ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, एक कैल्शियम एटम एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, सो द बेटर फॉर्मूला विल बी CaO। एक ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एक कैल्शियम एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है भाई साहब, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो CaO हो जाएगा। क्लियर है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब फंसोगे भाई साहब क्योंकि अगर तुमने कल का नोटेशन नहीं किया रहेगा तो फंस जाओगे। मैंने कल जो आपको पढ़ाया था उसमें आपके ऐसे आयंस के भी वैलेंसीज हैं, ठीक है सो आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका देखो इस तरह से लिखा रहेगा, अगर ये -1 है तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1, ये हो जाएगा अनायन। कैल्शियम की वैलेंसी आप देख चुके हैं कितनी है भाई साहब, 2 है, वैलेंसी 42 है भाई साहब, ठीक है वैलेंसी आपकी 2 है, पिछली बार हम देख चुके हैं, लेट्स नॉट रिपीट इट। तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, ये पूरा OH इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ये पूरा OH अगर इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वी विल राइट दिस एज Ca1, तो लिखते नहीं हम, OH को हम डालेंगे ब्रैकेट में और ये हो जाएगा 2, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है ये। ठीक है OH एज एन आयन इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, कैल्शियम एज एन आयन इसकी वैलेंसी कितनी है भाई साहब, 2, ठीक है तो हम क्रॉस करेंगे अगर तो ये आपका आ जाएगा CaOH2, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे तुम नहीं कर पाओगे तब तक जब तक तुम कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, जैसे आपका देखो कार्बोनेट आयन है CO3, ठीक है इसकी वैलेंसी होती है 2, OH इसकी वैलेंसी होती है भाई साहब 1, ठीक है इस तरह से आपको ये जानना पड़ेगा इन सब चीज़ों की। ठीक है तो CA और ये हो गया भाई साहब आपका OH, 2 हो गया इसका, इसका हो गया 1, तो यहाँ पे हो गया CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हियर द ब्रैकेट अराउंड OH विथ अ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं हम इसको, देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं CA है, O और ये H है और ये 2, ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है ऐसे मत लिख देना भाई साहब CaOH और ये 2, ऐसे मत लिख देना, इट इज रॉन्ग। ठीक है दिस इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, मतलब एक छोटा सा नीचे 2 लिखेंगे आप। ठीक है सो दिस इज कॉल्ड अ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स जॉइन टू 1 कैल्शियम एटम, एक कैल्शियम एटम के साथ, जैसे पिछली बार आपने देखा एक मैग्नीशियम एटम के साथ 2 क्लोरीन एटम ज्वाइन हो रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम एटम को देने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन
एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो ऑब्वियसली एक और क्लोरीन एटम की रिक्वायरमेंट होगी पर मैग्नीशियम एटम। तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा है, MgCl2। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब अगर CaOH2 हो रहा है तो इसका मतलब हर एक कैल्शियम एटम के साथ दो हाइड्रोक्साइल एटम आ रहे हैं, इसको हम हाइड्रोक्साइल एटम बोलेंगे। H और O दोनों भी हैं, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइल एटम। ठीक है, क्लियर है? सो ग्रुप्स जॉइन टू वन कैल्शियम एटम, इन अदर वर्ड्स देर आर टू एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? आर बी क्लियर? आपसे अगर पूछा जाए भाई साहब इसमें कितने एटम्स हैं, टोटल एटॉमिसिटी बताओ इस कंपाउंड की। एटॉमिसिटी अगेन इज व्हाट, द नंबर ऑफ एटम्स दैट आर देयर इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एटॉमिसिटी बताओ, कैल्शियम एक हो गया, CA1 हो गया, राइट? O कितने हैं इसमें, दो, और H कितने हैं, दो, तो दो O दो H हो गया चार, और एक हो गया ये, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई, पांच। क्लियर है? ठीक है, मॉलिक्यूलर मास एंड न्यूमेरिकल्स। चलिए भाई साहब, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, इट इज देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस इन यूनिफाइड मास यूनिट, दैट इज। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको यहाँ पे देखो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन दिया रहेगा, ठीक है, ज्यादा करके दिया रहेगा। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 μ। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास आपको मालूम है कितना है, 14 μ। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है भाई साहब, 16 μ। ठीक है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास क्या कैलकुलेट करना है आपका, नाइट्रिक एसिड का, तो इसका हो जाएगा 1। हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 μ। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का कितना एटम दिख रहा है यहाँ पे, 1, और इसका एटॉमिक मास कितना है, 14 μ। ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं आपको, 3, तो ये हो जाएगा 3 × 16 μ। चलिए बस आप इसको कर लेते हैं यहाँ पे, 1 μ प्लस 14 μ प्लस 48 μ, भाई साहब कितना हो गया, 8 + 4 = 113, 1 + 1 = 2, 2 + 4 = 6, 63 μ हो गया, this will be basically 63 μ। clear है? are we clear on this one, हम people हम, ठीक है, so आपका atomic, 1 into atomic mass of oxygen, समझ, hydrogen, ठीक है, एक atom है इसका, okay, plus 1 into atomic mass of nitrogen, क्योंकि nitrogen कितना है, एक ही atom है, ठीक है, plus 3 into atomic mass of oxygen, ठीक है, तो 1 into atomic mass of hydrogen, ये हो गया 1 × 1, 1 × 14, 3 × 16, तो ये हो गया आपका 1 + 14 + 14, तो ये हो गया 63 μ। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, 63 μ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल आप, ओके। मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस, ठीक है, तो H2O है भाई साहब, H2O का क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे H2O में आपका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 μ, है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 μ, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 μ, तो मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा, 2 × 1 μ प्लस यहाँ पे कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, 1 × 16 μ, ठीक है, तो ये हो गया 2 μ + 16 μ, दैट इज 18 μ। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझम। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया भाई साहब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इंटू, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने दिख रहे हैं आपको H2O में, 2, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1 μ, सो 2 × 1 μ। ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आपको कितने दिख रहे हैं यहाँ पे, 1, और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 μ। ठीक है, तो दिस विल बी 1 × 16, 2 + 16, तो ये हो गया आपका 18 μ, ये हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल आप, ठीक है, ओके। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या पहले से दे दिया है, ओके, H2SO4, तो यहाँ पे देखो H2SO4 है, H2SO4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 μ। ठीक है, एक एटम भाई साहब आपका सल्फर का है, ठीक है, और सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 μ। ठीक है, 4 एटम्स आपके ऑक्सीजन के हैं, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 μ। ठीक है, ये जो एटॉमिक मासेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जनरली दिए रहेंगे, लेकिन कुछ कॉमन एलिमेंट्स के आप करते करते आपको याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का भाई साहब 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है, बाकी आपको दिया रहेगा सवाल में, ठीक है, जनरली।
तो यहाँ पे कितना हो गया 2 इंटू 1 म्यू, ये हो जाएगा 2 म्यू प्लस 32 म्यू प्लस 64 म्यू, सो दिस विल बी 4, 5, 6, 7, 8, 6 प्लस 3, 9, 98 म्यू आ जाएगा ये भाई साहब। दिस विल बी द एटॉमिक मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1 एंड 16, तो ये हो गया आपका 98 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट थियरी, अभी भाई साहब मोल क्या होता है, वन देखो पहली बात आपको मैं एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ, ठीक है। मोल बेसिकली इज वाटा, मोला मोला मोला, ठीक है। तो यहाँ पे समझो एटॉमिक मास ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई साहब क्या है 8 और यहाँ पे 16 है, कितना है इसका एटॉमिक मास 16, चलिए भाई साहब 16 हो गया, 16 म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। इस 16 म्यू को तुम किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम एटॉमिक मास में, ठीक है। व्हाट आर यू कन्वर्टिंग इट इनटू, GAM व्हिच इज ग्राम एटॉमिक मास, कुछ नहीं करोगे, 16 म्यू को तुम क्या लिखोगे 16 ग्राम्स, ठीक है, बस इतना ही करना है। आपने एटॉमिक मास यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में, एटॉमिक मास वॉज कन्वर्टेड इंटू ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ओके। ये जो मास आया 16 ग्राम, तो हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग अ वेट ऑफ 16 ग्राम्स, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल हैव, अभी इसी को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, मोल, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि मोल मतलब हो जाएगा 1 ग्राम एटॉमिक मास को जब हमने अपना एटॉमिक मास यूनिट को जब हमने ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें भाई साहब ओके चलिए इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं लेट्स से नाइट्रोजन, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो लेट्स से 7 है, यहाँ पे 14 है, कितना हो जाएगा बोलो 14 एटॉमिक मास यूनिट, है कि नहीं, ठीक है, ओके। इसको तुम क्या करोगे भाई साहब, ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर दो, कितना हो जाएगा ये 14 ग्राम्स, और यही हो जाएगा क्या 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास, ठीक है। इसके आगे चल के देखेंगे मोल का कॉन्सेप्ट क्या है। बेसिकली मोल मतलब क्या होता है, एक मोल में कभी भी जो नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयन्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। सो वन मोल ऑफ एटम्स, अगर एटम्स है 1 मोल ऑफ एटम्स तो कितने होंगे 6.023 इंटू 10 to the power of 23, ठीक है, एटम्स, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं बोलूं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10 to the power of 23 क्या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ आयन्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 6.023 इंटू 10 to the power of 23 आयन्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन्स ये कितना हो जाएगा बोलो 6.023 इंटू 10 to the power of 23 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे होगा भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। एटम्स मॉलिक्यूल्स आयन्स इलेक्ट्रॉन्स, जब भी आप 1 मोल बोलते हो तो 1 मोल विल मीन दिस मच, और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एवोग्राडोज नंबर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं NA, एवोग्राडोज नंबर, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एवोग्राडोज नंबर, दैट इज NA, आर वी क्लियर, ठीक है। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का क्या होगा 6.022, तो अगर मैं बोलूं एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स तो इतने एटम्स, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला तो इतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ आयन्स बोला तो इतने आयन्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोला तो इतने, अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे भाई साहब, 6.023 इंटू 10 to the power of 23 स्टूडेंट्स, सिंपल, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। दिस इज कॉल्ड एवोगैडोस नंबर, ये नंबर कहां से आया ये हम बाद में देखेंगे, बट दिस इज व्हाट 1 मोल मींस। तो अभी देखो यहां पे एटॉमिक मास भाई साहब कितना आया 14, तो इसका मोल कितना हो गया 14 ग्राम्स, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14 ग्राम्स, एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंटेन हाउ मेनी एटम्स 6.022 इंटू 10^23, कहीं पे 23 दिया रहता है, कहीं पे 22 दिया रहता है, इट डजंट मैटर, ठीक है, सो 6.022 इंटू 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन,
क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन ऑफ पीपल? समझम ओके. सो वन मोल बेसिकली बैंक्स हैव एन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस. तो अगर आप देखोगे बैंक्स में जनरली अलग अलग कॉइन्स होते हैं, 5 रुपए के, 1 रुपए के, सब लोग भाई साहब अपना पैसा वहां पे जमा करते हैं. तो अलग अलग डिनोमिनेशन के कॉइन्स होंगे. ये भाई साहब आपके कॉइन्स हो गए, ठीक है, भिखारियों के पास भी होते हैं भाई साहब, ठीक है. काउंटिंग ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इज बेसिकली वॉट अ डिफिकल्ट जॉब. एक डिफिकल्ट जॉब हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम भाई साहब, एक कॉइन का हमको एवरेज वेट मालूम होता है. अगर इतने सारे कॉइन्स हम एक मशीन के ऊपर रख देते हैं तो जो वेट आएगा उससे हम बोल सकते हैं भाई साहब इतने कॉइन्स हैं, ठीक है. इंस्टेड ऑफ काउंटिंग देम सेपरेटली इफ वी कीप अ बंच ऑफ कॉइन्स ऑन अ वेइंग मशीन वी नो वॉट इज द वेट ऑफ वन कॉइन. तो जो भी वेट आएगा उसको भाई साहब डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे, है ना, ठीक है. सो द आइडियल वे टू डू दिस विल बी, सो इन बैंक्स दे वे कॉइन्स रादर देन काउंट देम. द बैंक पीपल नो दैट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ पर्टिकुलर कॉइन विल ऑलवेज हैव द सेम मास. इनको भाई साहब मालूम है ये, ठीक है. तो ये क्या करेंगे, इन केमिस्ट्री ऑल्सो साइंटिस्ट लिंक द मास ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड टू द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन देम. तो मोल कॉन्सेप्ट भाई साहब होता क्या है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वॉटर. तो 2H2 plus O2 ये क्या बना रहा है, 2H2O. The above reaction indicates that two molecules of hydrogen combine with one molecule of oxygen to form two molecules of water. क्या ये दिख रहा है भाई साहब, two molecules of hydrogen combine with one molecule of oxygen to form two molecules of water. Clear है, clear है, clear है people. Okay. तो mole concept भाई साहब क्या बोलता है, ठीक है. It is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of its molecules or atoms rather than their masses. ठीक है, so a unit mole was introduced. इसीलिए हमने भाई साहब मोल को इंट्रोड्यूस किया हुआ है. That is the reason mole was. One mole of any species, ये एटम भी हो सकता है, molecule भी हो सकता है, ions भी हो सकता है, electrons भी हो सकते हैं, ठीक है. और particles is that quantity number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams. तो मैंने जैसे आपको दिखाया, पहले आपने एटॉमिक मास को किस में कन्वर्ट किया, GAM में, मतलब ग्राम एटॉमिक मास में. इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास को भी आप किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में. जैसे आपने देखा भाई साहब H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, इसका मुझे अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, नींद आ रही है, 2 × 1 + 1 × 32 μSF, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, +4 × 16 μ. तो ये भाई साहब कितना आ गया, 98 μ. तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 98 μ. अब इसको हम क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में. तो ये आ जाएगा 98 ग्राम, और ये हो जाएगा भाई साहब 1 मोल. दिस विल बी बेसिकली 1 मोल, ठीक है, क्लियर है. सो 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, 1 मोल किसी भी स्पीशीज का, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन्स और पार्टिकल्स, इज दैट क्वांटिटी इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स. तो हमने एटॉमिक मास को या मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम्स में एक्सप्रेस किया तो उसका मास होगा ये 1 मोल का, ठीक है, ओके. मोलर मास, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स और आयन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद अ वैल्यू ऑफ 6.022 × 10⁻²³. और इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोग्राडोस नंबर, ठीक है. दिस नंबर इज नोन एज, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेंड वैल्यू है ये, ठीक है. द नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोग्राडो कॉन्स्टेंट, NA लिखते हैं, नेम्ड इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट, ठीक है, एवोग्राडो. 1 मोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 1 मोल क्या होगा, 6.022 × 10⁻²³ इन नंबर, ठीक है. 1 मोल ऑफ बनानास भाई साहब अगर हम ले लें तो इसमें कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 dozen, दैट इज 12 नंबर. जैसे हम बोलते हैं ना भाई साहब, 1 दर्जन केला मतलब कितना हो गया भाई साहब, 12 केले हो गए, ठीक है. तो इसीलिए 1 मोल ऑफ एनीथिंग वुड बी 6.022 × 10⁻²³, ठीक है. तो जैसे अगर हम बोले भाई साहब 12 कलर्स हो गए, ठीक है, 1 gross इज इक्वल टू 144 नंबर्स. तो मोलर मास भाई साहब क्या हो जाएगा, व्हेन मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज नोन एज मोलर मास, ठीक है. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है 16 और ये भाई साहब 8. ऑक्सीजन के एक एटम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स हैं, 2, है ना भाई साहब, O2 लिखते हैं ना. तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 16, दैट विल बी 32 μ. यही हो जाएगा इसका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा भाई साहब, 32 μ. और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻²³
मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, दीज मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वुड बी देयर, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18 म्यू, मोलर मास ऑफ वाटर ये कितना हो गया भाई साहब 18 ग्राम्स, 18 ग्राम 18 म्यू वाटर हैज ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, बट 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दैट इज दिस मच, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो देखो यहाँ पे आपका H2O है, ठीक है, दिस इज बेसिकली योर H2O, H2O का भाई साहब हो गया 2 × 1 प्लस 1 × 16, तो ये कितना हो गया भाई साहब 18 म्यू, इसको हमने कन्वर्ट किया भाई साहब किस में, ग्राम एटॉमिक मास में या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, ये हो गया आपका क्या ग्राम, सॉरी ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर मास, दिस इज व्हाट मॉलिक्यूलर मास, दिस इज मॉलिक्यूलर मास विच इज 18 म्यू, इसको हमने क्या किस में कन्वर्ट किया ग्राम, पांडे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो जाएगा भाई साहब 18 ग्राम्स, ठीक है, दिस विल बी 18 ग्राम्स, तो आपका वन मोल ऑफ वाटर, वन मोल ऑफ H2O इसका वेट कितना हो जाएगा 18 ग्राम, और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, वन मोल ऑफ वाटर विल हैव 6.022 × 10⁰²³ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इसका वेट कितना हो जाएगा पांडे, कितना होगा वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो रहा है तू बैठ के वहां पे, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी, अभी तो किया हमने 2 × 16, ठीक है, दैट विल बी 32 ग्राम्स। अगर मैं आपसे पूछूं कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, ओके 6.022 × 10⁰²³ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको कितने एटम्स होंगे, नहीं सेम नहीं होंगे, देखो देखो समझो इसको, वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, एक मॉलिक्यूल O2 में कितने एटम्स होते हैं, दो एटम्स होते हैं कि नहीं, एक मॉलिक्यूल O2 में कितने एटम्स हैं, दो, ठीक है, तो यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए आपके, इतने मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इसमें कितने एटम्स हो जाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई साहब, 2 × 6.022 × 10⁰²³ एटम्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू बेसिकली टेक केयर ऑफ, ओके ओके ओके। मोलर मास ऑफ CaCO3 भाई साहब ये कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ CaCO3, CO3 ये क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, तो पहले तो बताइए मोलर मास क्या हो जाएगा, कैसे करेंगे इसको, मैं आपको बता देता हूं, कैल्शियम का यार कैल्शियम का एटॉमिक मास भाई साहब है कितना 40, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भाई साहब है 16, चलिए बताइए भाई साहब यहाँ पे मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास, हाँ बोलो, हाँ बोलो ना बोलो, 40 प्लस ओके प्लस 12 प्लस 3 × 16, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, कैसे आया समझ में आ रहा है, कैल्शियम का एक एटम तो 1 × 40, कार्बन का एक एटम तो 1 × 12, ऑक्सीजन के तीन एटम्स तो 3 × 16, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब 40 प्लस 12 प्लस 48, कितना आ गया भाई साहब आपका 100, है ना 100 ग्राम्स आ गया, तो दिस इज बेसिकली मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100 ग्राम्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हाय मिस्टर सागुंडे जल्दी बताइए कितना होगा, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें, ना 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 ना, एक मोल का मास कितना होगा, एक मोल का मास होगा, एक मिनट भाई साहब मैं क्या पूछ रहा हूं वो समझ लो, एक मोल का मास होगा 100 ग्राम्स और एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 × 10⁰²³ मॉलिक्यूल्स होंगे, समझ में आता है भाई साहब ये, भाई कितना भाई साहब 10, ठीक है, ओके, सो हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना दिया हुआ है भाई साहब 10 म्यू, ठीक है, तो 10 म्यू को भाई साहब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेंगे ग्राम एटॉमिक मास में, विच विल गिव अस व्हाट 10 ग्राम्स, ठीक है, 10 ग्राम्स मतलब क्या हो गया वन मोल, है कि नहीं, आपने एटॉमिक मास को कन्वर्ट किया किस में ग्राम एटॉमिक मास में, ग्राम एटॉमिक मास में कुछ नहीं करना है, म्यू को जी में चेंज करना है भाई साहब, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया कैल्शियम का 10 ग्राम, यही इसके एक मोल का मास हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका वन मोल, तो भाई साहब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम
10 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है, तो भाई साहब 5 ग्राम कितना हो जाएगा, हाफ मोल, है ना, मतलब जिसको 0.5 मोल भी बोल सकते हैं, या आप मैथमेटिकली इसको दिखा सकते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/10 × 5 दैट इज हाफ मोल, दैट इज हाउ मच, 0.5 मोल्स. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके. 1 मोल ऑफ ग्राम एटॉमिक मास, तो 1 मोल ऑफ यहां पे 10 μ लिए हुए हैं, 40 ग्राम दे रहा था तेरे, ठीक है, ये होगा 40, चलो यहां पे गलत दिया हुआ है, 40 ग्राम हो गया. 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम्स, तो ये हो गया आपका 5 ग्राम, तो ये हो गया 5/8, दैट इज 1/8 हो जाएगा, दैट इज 0.125 मोल्स, ठीक है, ओके ओके ओके. और नंबर ऑफ मोल्स भाई साहब हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमेशा होगा मास इन ग्राम्स जो दिया हुआ है अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा आपका क्या, जो मास इन ग्राम्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई साहब आपको यहाँ पे 5 ग्राम्स, और ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40 म्यू है, इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 40 ग्राम्स, तो 5/40 सेम रेशियो आ जाएगा, सेम आपको भाई साहब 5/40 दैट इज 1/8. व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है कितना, 27. शॉर्टकट गए, नंबर ऑफ मोल्स, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास कितना, देखो यहां पे आप ग्राम एटॉमिक मास ले लो, कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास विल बी 27, म्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, 27 ग्राम, तो 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम इसका भाई साहब मास कितना हो जाएगा, 27 ग्राम, यहां पे क्या करना है, 4 मोल्स का मास कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो, 4 मोल्स हो जाएगा भाई साहब, 27 × 4, 7 × 4 = 28, 4 × 2 = 8, 9, 10, 108 ग्राम्स, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ हम, समझ हम, समझ हम, ओके भाई साहब, ठीक है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स 27 ग्राम, सो 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स विल बी 27 × 4 दैट इज 108 ग्राम, दस द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इज 108 ग्राम्स, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है भाई साहब आपका कितना, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस आपको नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं कितने, 4, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 4, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 27, दिस विल बी द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट विल बी 108 ग्राम्स, वाह, ठीक है, क्लियर, ओके ओके ओके. हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 9.033 × 10^24 एटम्स ऑफ हीलियम, ठीक है, हीलियम का भाई साहब कॉन्फिगरेशन क्या होता है रे, देखो ये होता है हीलियम का कॉन्फिगरेशन, मतलब इसका एटॉमिक मास कितना, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, कुछ नहीं, ओके, तो यहाँ पे हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4 म्यू, ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करिए तो कितना हो जाएगा, 4 ग्राम, ये हो गया इसका कितना भाई साहब, 1 मोल का मास हो गया भाई साहब, 1 मोल का मास, क्लियर है, और 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल में एटम्स होते हैं भाई साहब 6.022 × 10^23, ठीक है, क्लियर है, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, 6.022 × 10^23 एटम्स ऑफ हीलियम, इनका मास कितना होगा भाई साहब, 4 ग्राम, है कि नहीं, तो 1 एटम ऑफ हीलियम का मास कितना हो जाएगा, 4/6.022 × 10^23, ठीक है, इसी तरह से भाई साहब 9.033 × 10^24 एटम्स का मास कितना हो जाएगा, 4 × 9.033 × 10^24 अपॉन 6.022 × 10^23, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है, ये कुछ कट्टम कुट्टम दिख रहा है आपको, यहाँ पर टुड़ूंग एक बच जाएगा भाई साहब, यहाँ पे 24 है, इधर 23 है, तो 23 24 में से 23 मानेंगे तो एक बच गया, ठीक है, यहाँ पे 9.033 और यहाँ पे 6. करो वैसा, करो ना, करो वैसा, जरा सा कितना रहा है, 1 कुछ आएगा, 1.5 कुछ आएगा, देखो 16 × 6 × 15 कितना होता है आपका, 90 होता है ना, 15 × 6 = 90 है, ये अप्रॉक्सीमेटली भाई साहब आ जाएगा आपका 6, है ना, सॉरी 15, अरे एम सो सॉरी भाई, 1.5 आ जाएगा, 1.5, ठीक है, 1.5 × 4 कर दोगे आ जाएगा भाई साहब 6, ठीक है, हाउ मेनी मोल्स, सो 6 मोल्स आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो 1 मोल हो गया भाई साहब, तो x मोल्स मतलब कितने हो जाएंगे, टन 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 3.2, तो ये क्या कितना भाई साहब आपका 15 मोल आ गया, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल गेट 15 मोल्स, और यू कैन डू व्हाट, n इज इक्वल टू, ओय ठीक है, दिस विल गिव यू 15 मोल्स,
व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? भाई साहब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? अरे जल्दी से बोलना है भाई साहब, 6.022 × 10⁰³ क्या मॉलिक्यूल्स है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो भाई साहब 0.25 के कितने होंगे? इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.25 × 6.022 × 10⁰³ ये हो जाएंगे इनके मॉलिक्यूल्स। क्लियर हम, क्लियर हम, क्लियर हम पीपल हम? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम्स। आयरन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है? 56 म्यू। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, 56 ग्राम, 56 ग्राम ये हो जाएगा इसका एक मोल का वेट, एक मोल ऑफ आयरन का वेट। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स, 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स का भाई साहब कितना? तो आप पहले यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो भाई साहब। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे बोलो ना बोलो, नंबर ऑफ मोल्स होता है एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, सॉरी अपना कितना दिया हुआ है, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना, ये एटॉमिक मास, मास ऑफ द सब्सटेंस यहां पे कितना दिया हुआ है 2.8, और मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 56, तो इसको करोगे तो 0.5 आ जाएगा। देखो 56 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया भाई साहब 0.5। एक मोल ऑफ आयरन में भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, एक मोल ऑफ आयरन में कितने आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁰³ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसके भाई साहब, आयरन के। तो भाई साहब 0.5 मतलब आधे मोल में कितने होंगे इसके, आधे, दैट इज 0.011 × 10⁰³ मॉलिक्यूल्स ऑफ आयरन। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 56 ग्राम ऑफ आयरन का इतना हो गया भाई साहब, 2.8 ग्राम ऑफ आयरन का कितना हो जाएगा, 3.011 × 10⁰² एटम्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। ओके ओके ओके, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके भाई साहब देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 14, तो इसको ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 ग्राम, ये हो जाएगा भाई साहब 1 मोल का मास, नाइट्रोजन के 1 मोल का मास। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस मनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, तो 1 मोल ऑफ, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं भाई साहब, कैलकुलेट 6.022 × 10⁰³ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 14 ग्राम्स होगा, क्योंकि भाई साहब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना है 14 ग्राम्स, और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.022 का इतना हो गया भाई साहब। ठीक है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 14 भाई, देखा देखा 6.022 × 10⁰³ ग्राम्स। तो इसी तरह से भाई साहब 3.011 × 10⁴ मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा 14 × 3.011 × 10⁰² upon 6.022 × 10⁰³ ग्राम्स। ठीक है, कैंसलम कैंसलम, एक बज गया भाई साहब ऊपर। ठीक है, ये 1/2 हो गया, 2 × 5 = 14, 5 = कितना हो गया, कितना होता है वो 5 × 20 = 70 है ना, 70 ग्राम्स, दिस विल बी 70 ग्राम्स। क्लियर है, ये यहाँ पे कितना आ रहा है, वी कहाँ से आ गया, 1024 कहाँ से आ गया, 10⁴ है ना भाई साहब, 10⁴ है, 10⁰³ यही तो किया हमने भी भाई साहब, अच्छा 14 28, करेक्ट करेक्ट। तो आपका भाई साहब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2 × 14, दैट इज 28, यस दैट इज करेक्ट। तो यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया था 70। ठीक है, 70 क्यों, क्योंकि हमने भाई साहब एटॉमिक मास को लिया था 14, तो यहाँ पे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास होगा आपका 28, तो 28 के हिसाब से आपका आ जाएगा 140 ग्राम्स। ठीक है, ओ थैंक यू, हो गया रे, वाह वाह वाह, हो गया भाई साहब आप लोगों का टेस्ट हो गया, बहुत बढ़िया।